सेहतमंद पंजाब महफूज खुराक पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ फूड पॉइंट की चेकिंग कजाफी स्टेडियम में वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी डी जी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की सरबराही में कार्रवाई की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज नदीम से। जी नदीम बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर ख़ुराक समीउल्लाह चौधरी और डी जी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की सरबराही में जो है वो कजाफी स्टेडियम में एक सरप्राइज विजिट किया गया है, जहां नाकिस तेल के इस्तेमाल गंदे फ्रीजर की मौजूदगी पर मारूफ दारुल माही जो है उसको सील कर दिया गया है। दूसरी जानब जो फिश पॉइंट में गंदे फ्रीजर और स्टोरेज का भी काफ़ी ज़्यादा जो था वो इंतहाई नाकिस इंतजाम जो था वो पाया गया है, जबकि दूसरी जानब बेहतरीन मैार साफ़ सुथरे अज़ा के इस्तेमाल पर डेरा रेस्टोरेंट को 10,000 रुपये जो है वो कैश इनाम भी दिया गया है। जबकि सूबाई वजीर खुराक और डी जी फूड अथॉरिटी की सारफीन से भी जो है वो गुफ्तगू हुई, उन्होंने फूड अथॉरिटी के मुतालिक अवाम से राय भी ली और उनकी जानब से कहना था कि रात के सरप्राइज विजिट का मकसद सिर्फ यही है कि अवाम को बेहतरीन खाने की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए और खुराक में मिलावट करने वाले कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन और संगीन मुजरिम है। दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के वजीर आलम इमरान खान और वजीर आला पंजाब का मिलावट फ्री पंजाब का ख्वाब जो है वो हर कीमत में पूरा करेंगे और उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो 3 शिफ्टों में दिन रात काम कर रही हैं, जबकि मामूल की चेकिंग के साथ साथ सरप्राइज विजिट की तादाद में भी जो है वो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे उसमें भी इजाफा कर दिया जाएगा और उनकी जानब से कहना था कि जो अच्छे काम करेगा उनको शाबाश दी जाएगी और जो मिलावट करने वालों को की पंजाब में जो है वो किसी तरह की भी कोई जगह यहाँ पर नहीं बचेगी। जी शुक्रिया हाफिज नदीम।